पुलवामा में जो 14 फरवरी को घटना हुई उससे देश दहल गया। उसके बाद हमारे 2 मेजर्स आर्मी के शहीद हो गए बॉम्ब्स को डिफ्यूज करते वक्त। पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें करता रहा है, आतंकवादियों को पनाह देता रहा है, उनको एनकरेज करता रहा है, और इस तरह से हमारे देश में माहौल खराब करने का काम करता रहा है, उससे आप और मैं सभी नाराज हैं। और नाराज ही नहीं, एकदम अंदर से आग बबूला हो रखे। ऐसे समय में जब एक सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आई तो लगा कि एक बहुत सीरियस इशू हो गया, और सीरियस इशू तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। जो काम सेना को करना है और जो हमारी सरकार को करना है, उसमें हम सबको साथ में रहने की आवश्यकता होती है। इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। जब देश की बात आती है तो हम सब एक होते हैं और एक ही रहेंगे। घर के अंदर के झगड़े जो हैं वो इस वक्त बाहर नहीं आते। परंतु जो चिंता का विषय है वो ये है कि उकसाने का काम हम सबको कहते हैं ना करें। हम सबको कहते हैं, सरकार कहती है, पूरा तंत्र हमेशा लोगों को कहता है कि किसी भी र्यूमर पे ना विश्वास करें, किसी की बातों में विश्वास ना करें। परंतु कमाल की बात तो ये हो गई है इस बार कि जो हमारी मीडिया है ये इस प्रकार के की बातें कहने लग गई जैसे मतलब जंग इन्हीं के कहने पे शुरू होगा, या इनकी मंशा जो है वो ही सबकी मंशा होगी, वही सरकार की भी मंशा होगी, वही सेना की भी मंशा होगी। ऐसे वक्त में संयम रखने की आवश्यकता होती है। परंतु जिस प्रकार से हमारी मीडिया ने काम किया है वह बहुत ही अशोभनीय है। हर चैनल पे खड़े होकर ऐसी बात कर रहे थे जैसे कि यही डिक्लेयर करेंगे कि वॉर होगी, वॉर होनी चाहिए। और यहाँ तक एक चैनल पर तो मैंने देखा कि जो एंकर हैं वो कह रहे हैं, और वो उस चैनल के शायद कर्ता धर्ता भी हैं, वो कह रहे थे कि अब समय आ गया है कि या तो आप देश के साथ हैं, और यदि आप नहीं हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। मतलब उनके कहने का ये था कि यदि आप जंग नहीं चाहते हैं तो आप एंटी नेशनल हो गए। मतलब आप टीवी चैनल पर बैठे हैं, क्या आपको ये अंदाजा भी है कि आपकी बातों का असर कितना पड़ता है देश पर? मगर देश के नौजवानों को की सराहना करने की आवश्यकता है। हैट्स ऑफ टू देम, सल्यूट टू देम। वो इनकी बातों में इतनी आसानी से अब नहीं आते, क्योंकि हर व्यक्ति सोच सकता है और अपनी सोच को एक्सप्रेस करता है। जिस तरीके से हर चैनल पे ये कहा जा रहा था कि अब मुंह तोड़ जवाब देना है पाकिस्तान को, अब जंग का वक्त आ गया है, बातचीत का दौर खत्म हो गया है, क्या ये तय करेंगे कि इन्हें क्या क्या सरकार को क्या कदम लेने चाहिए या सेना को क्या कदम लेना चाहिए? आप और मैं इस देश के नागरिक हैं, हमारा गुस्सा जायज़ है, वाजिब है, परंतु एक दूसरे को उकसाना ये सही नहीं है। यदि आप देखें जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा माहौल बना दिया गया, इस बार इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मीडिया ने अपना काम ठीक से नहीं किया है और इसे हमें मानना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ उकसाने की राजनीति करी है, इन्होंने अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया है। जब जंग नहीं छिड़ी तो इनका क्या काम है ये डिक्लेयर करना कि वॉर होगी? क्या ये इनका काम है ये बताना कि अब वॉर हो ही जानी चाहिए, और सरकार को ये चेताना कि नहीं, अब तो जवाब आप दे के आइए, सेना को बताना, बताइए ना
कहीं कहीं चैनलों पे जनरल्स बैठा के वॉर स्ट्रैटेजी की बातें करी जा रही थी कि ये बताएंगे कि वॉर प्लान क्या है। इस तरह की बात जब ये कर रहे थे तो इन चैनल के जो एंकर्स हैं इनको देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इनको एक बस में बैठा कर सबको लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेज देना चाहिए। इंटरनेशनल बॉर्डर तो बहुत दूर की बात है, ये तो जर्नलिस्ट कहलाने के भी लायक नहीं रह रहे हैं जब ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इनको याद रखना पड़ेगा कि मीडिया का काम है रिपोर्टिंग, मीडिया का काम जजमेंट देना नहीं है, मीडिया का काम उकसाने का नहीं है, मीडिया का काम बरगलाने का काम नहीं है। वो हमारी सरकार का काम है, वो हमारी सेना का काम है, और उसमें हम सब भारतीय सरकार के तहत आते हैं। तो हमें ये इंतजार करना चाहिए था कि सेना क्या करने जा रही है, सरकार क्या निर्णय लेती है। परंतु क्योंकि मीडिया ने इस प्रकार से अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाया, देश के अंदर एक अलग नैरेटिव चलने लगा। उसके और भी कारण हैं, परंतु उन कारणों पे मैं आज नहीं जा रही हूं। और देखिए, जिस प्रकार से विंग कमांडर अभिनंदन का इंतजार हर देशवासी ने किया, उसमें दो राय नहीं है कि हम सब इंतजार कर रहे थे कि कब विंग कमांडर अभिनंदन वापस आए। और हर पल जो है वो भारी था जब तक वे वापस लौट के नहीं आए, चाहे ये कहा जा रहा था कि वे आ रहे हैं। क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक रोग नेशन है हमारे लिए, वे हमारे दुश्मन हैं, तो उनपे विश्वास कर लेना आसान नहीं होता। और दूसरी तरफ जिस बात का बहुत बहुत दुख है वो आप सोच सकते हैं किस बारे में है, वो है हमारे एक और इंडियन एयरफोर्स के वीर बहादुर सैनिक के बारे में, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई और उनकी पत्नी जो कश्मीर में ही पोस्टेड हैं इंडियन एयरफोर्स में, उस वीर सैनिक को नमन करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए ये प्रार्थना करती हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान देंगे। जब हम बात करते हैं उनकी, हमारे वीर शहीद सिद्धार्थ वशिष्ठ की, और उनकी पत्नी खड़ी खड़ी दिखाई दे रही थी आरती, स्क्वाड्रन लीडर आरती, अपने पति की अंत्येष्टि के समय पर एक मीडिया हाउस को वक्त नहीं मिला इस वीर शहीद को दिखाने के लिए। एक मीडिया हाउस में इतनी तमीज नहीं थी कि वे वाघा बॉर्डर से हटकर वहां की पल पल की जानकारी देते हुए वहां से नहीं हटने का जो इन्होंने प्रण ले रखा था, वहां से हटकर क्या ये आवश्यक नहीं था कि हर देशवासी को मौका मिलता नमन करने का, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का, उस समय जब एक परिवार हमारे शहीद सिद्धार्थ वशिष्ठ के परिवार के साथ होने का? क्या मीडिया के पास उनको देने के लिए स्पेस नहीं था? क्या वे भूल गए कि वे भी हमारे लिए ही शहीद हुए? बहुत दुख की बात है। और मैं स्क्वाड्रन लीडर आरती को नमन करती हूँ, सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने अपने अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखा, अपने इमोशंस पर इतना धैर्य रखा
और उनको ये कहना चाहूंगी कि हर देशवासी कृतज्ञ है, न सिर्फ शहीद सिद्धार्थ वशिष्ठ का, परंतु आपका, आपके परिवार का, कि आपने अपने परिवार के एक सदस्य को भारत का एक वीर सपूत बनाकर हमें दे दिया। वे थे, इसीलिए आज हम हैं। तो मीडिया अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करना जानती, मीडिया आजकल उकसाना जानती है, अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको ठीक से नहीं निभा पा रही है। बल्कि ये तो कहना चाहिए कि मीडिया को, मतलब इतने सारे एंकर्स हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, और वो जो आप पल पल की रिपोर्टिंग करते हैं ना, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास खड़े होकर, और फिर कहते हैं कि तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। तो ऐसा है कि आप लोग ना ये खाली अपने स्टूडियो में ना बैठे, हमारी दिली ख्वाहिश है, देश की जनता चाहती है कि आप बॉर्डर पे जाएं और लड़ाई करें, और दूसरी तरफ यदि ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान को एक्सचेंज के लिए एक प्रपोजल भी दिया जा सकता है कि जितने आप लोग बैठे हुए हैं आप लोगों को वहाँ भेज देते हैं, और उनसे कहते हैं कि मसूद अज़हर इन सबको आपके बदले हमें दे दे, क्योंकि ये मांग तो आप भी कर रहे हैं ना, तो इसमें ये शहादत तो आप भी दे दीजिए और हम आपको हमेशा याद रखेंगे और आपके भी कृतज्ञ हो जाएंगे। अभी तो आपने जो नफरत की का माहौल बनाने की कोशिश करी है और अपने आप सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि आप देश को विभाजित करने लगे हैं। आपका रोल ये नहीं है, और शायद आप ये समझ भी नहीं पाएंगे जब तक आप खुद बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, जब तक आपको वहाँ एक्सचेंज नहीं कर दिया जाएगा ये जितने टेररिस्ट हैं उनके एक्सचेंज में। मतलब आप लोग उधर चले जाइए, वो लोग हमें हमारे टेररिस्ट दे दें, हम उनके साथ जो करना चाहते हैं वो कर लें। जब आप आवाज़ उठाते हैं और बात करते हैं देश की जनता से, तो याद रखिए कि आपसे अपेक्षित रहता है कि आप सही जानकारी देंगे। आप केवल आज से अपना काम करिए रिपोर्टिंग, वरना ऐसा हो जाएगा कि अभी जिस प्रकार से लोग केवल सोशल मीडिया को देखने लग गए हैं, आप लोगों को देख नहीं रहे हैं, आपके चैनल भी बंद हो जाएंगे, क्या फायदा उस सब का। और जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो फैक्ट्स पे रिपोर्टिंग करिए, अपने तर्क अपने आप मत दीजिए। जब आप बात करते हैं एज एंकर, आपका काम होता है एंकरिंग, आपको पता भी है कि एंकरिंग होती क्या है। आप देखते हैं कि जैसे ही वो वाला ओपिनियन आता है जिससे आप सहमत नहीं होते, आप उन लोग को बोलने नहीं देते, आप उनको, और फिर साथ में कहते हैं नहीं मैंने आपको मौका दिया, आप दूसरे को बोलने देते हैं ऐसे वक्त में। सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, असली देशद्रोही यहाँ कौन बन गया है, आप सोचिए। आप ये देशद्रोही देशभक्त का जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं टेलीविजन चैनल्स पर, अब की बार सोचिएगा कि ऐसा ना हो कि देश की जनता ही आपको ये सर्टिफिकेट देना शुरू कर दे। हमारे न्यूज़ एंकर्स जो हैं एसी स्टूडियोज के अंदर बैठकर क्या कमाल दिखा रहे हैं, मतलब ये सबक तो बहुत बढ़िया सिखाने वाले हैं। और जिस तरह से ये तोप के गोले और मिसाइल दाग रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। मतलब ऐसा लगता है कि आप लोगों को यदि बॉर्डर के पास छोड़ दिया जाए तो तब तो आप इनको बहुत बढ़िया सबक सिखा सकते हैं। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि आप सभी एंकर्स को, और इतने सारे चैनल्स हैं हमारे भारत देश में, कि आप सबको बसों में ठूस कर लेके जाया जाए और बॉर्डर में छोड़ दिया जाए। बॉर्डर पे आप तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये भूल जाएंगे सब कुछ। ये सब बातें तो आप टेलीविजन चैनल पे जब बोलते हैं तो यहाँ से उतना इफेक्ट नहीं हो पा रहा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए कि आप लोगों को बॉर्डर पे भेज दिया जाए और आप लोग वहाँ पे अपने गोले और तोप दागिएगा, और जितनी शूटिंग करनी है वहाँ पे करिएगा। और क्या सबक आपने सिखाना है ये तो हम सब जानते हैं, आप तो भौकाल मचा के रख देंगे। इसलिए ज़रूरी है अब आप अपनी देशभक्ति का प्रमाण दें, जिस तरह से आप दूसरों की देशभक्ति का प्रमाण मांगते फिरते हैं। रिपोर्टिंग में क्या रखा है, देश की सुरक्षा आपके हाथ में दे दी जाती है, और यदि कोई भूल चूक आपसे हो जाएगी तो चिंता की बात नहीं है, हमारी मजबूत सशक्त सेना है पीछे से आके संभाल लेगी, देश उनके हाथों में सुरक्षित है, इसलिए उसकी चिंता आप मत करिएगा, जाइएगा जरूर।